पाती हूँ किसी से, उसके बाद मैं इंजेक्शन लगाऊंगी। तो गाइस थोड़ा सा ये वाला वीडियो भी देख लो यार, उसके बाद आपको IM इंजेक्शन की वीडियो मिलेगी। और मैं आज थोड़ी सी अलग लग रही हूँ ना गाइस, क्योंकि मैंने थोड़ा सा डिफरेंट हेयर स्टाइल बनाया है। और मैं आप लोगों को किसे मिलवाती हूँ, देखना गाइस, स्पेशल है कोई। ओए अरे गाइस कैसे बोलते हैं मियाओ, मेरी छोटी सिस्टर है गाइस, देखिए बोलो मियाओ, बोलो मियाओ। और गाइस वो रहे दोनों जो दिन भर चिल्लाते हैं गाइस, देखिए इन दोनों को, ये दोनों भाई बहन, ये मेरी छोटी सिस्टर, ये मैं हूँ, ये मेरी छोटी सिस्टर है, और वो दोनों मेरे फ्रेंड है। गाइस अच्छा कॉम्बिनेशन है ना, क्या करें यार गाइस, मैं जब भी आती हूँ ना ये मतलब इतना कूद कूद के ऊपर बैठती है तो मुझे इतना ज्यादा डर लगता है। मैं दीदी से बोलती हूँ दीदी यार इसको दूर रखो यार, मुझे बहुत डर लगता है यार गाइस, इससे बहुत मस्ती करती है। तो गाइस जस्ट बस अभी आने वाले हैं, आना है इंजेक्शन, तो मैंने सोचा यार क्यों ना आप लोगों के साथ आज शेयर करूं यार। आप बोल रहे थे ना इतने टाइम से IM इंजेक्शन की वीडियो, IM इंजेक्शन की वीडियो, तो गाइस चलो। और मैंने तो आज वेलकम किया ही नहीं, क्योंकि यार मुझे लगा कि यार वो वाला वीडियो है और ये वाला वीडियो एक साथ ही शूट हो रहा था। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू लाइफ विद सोना। और आई होप गाइस आप बहुत अच्छे होंगे। और अभी रात की बज गई 9 और आज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था गाइस। तो ये सेम डे की शूट है सारे, पर अलग अलग पार्ट में आएंगे गाइस, तो आप समझ जाना यार जैसा भी हो। और इनको देखो मैडम को, ये घूर घूर के मुझे देख रहे हैं, ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा। तो चलिए गाइस अभी थोड़ी देर से मिलती हूँ मैं आप लोगों से, जब मैं IM इंजेक्शन लगाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, मस्ती तो बहुत सारी हो गई है, अब थोड़ा काम भी कर लिया जाए। जी हाँ गाइस, अब फाइनली हम इंजेक्शन लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर पहन रही हूँ ग्लव्स, क्योंकि गाइस ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग के कई सारे कमेंट्स भी थे यार कि दी प्लीज़ ग्लव्स पहन के आप काम कर लिया करो, आप लोगों को मेरी बहुत चिंता रहती है ना गाइस। वैसे तो मुझे भी ग्लव्स पहन के करना अच्छा लगता है, बट थोड़ा सा अरे यार गाइस मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसा फील होता है, इसलिए कई बार नहीं भी पहनती हूँ, कई बार पहन भी लेती हूँ। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने दोनों हाथों में ग्लव्स पेयर कर लिए हैं और बस अब हम लगा रहे हैं इंजेक्शन। तो गाइस ये है हमारा टिटनेस जो आता है 0.5 ml में। और गाइस अगर आप लोगों को इसकी सारी डिटेल्स चाहिए कि टिटनेस क्या होता है और क्यों लगाया जाता है, तो इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ जाकर मेरी वीडियो देख लें। और गाइस आज इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए। इसलिए गाइस आपको जो भी डिटेल्स चाहिए इंजेक्शन से लेके कि ये कौन से डिग्री में लगता है, कितने एंगल में लगता है, कौन सी मसल्स में लगता है, क्या है, तो गाइस ये सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और मैं सारी सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ जाकर देखिए। और गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे मैं इंजेक्शन मतलब सिरिंज को लोड कर रही हूँ। तो गाइस मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है कि इंजेक्शन को लोड कैसे किया जाता है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। जिन्होंने देखी उनका तो कोई बात ही नहीं गाइस, उन लोगों को तो पता ही है कि मेरी कौन कौन सी वीडियोज़ है। तो गाइस आप यहाँ पर देखिए, हमें जब भी इंजेक्शन लोड करना है तो देखना है गाइस कि उसमें कोई एयर नहीं होनी चाहिए, कोई बबल्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एयर या बबल ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप इंजेक्शन नहीं लगा पाओगे। तो गाइस हमने यहाँ पर सारी चीज़ें चेक कर ली कि हमारी एक्सपायरी डेट क्या है, इंजेक्शन की भी और सिरिंज की भी सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। और बस गाइस यहाँ पे इंजेक्शन लगाने जा ही रही हूँ मैं। तो गाइस आपकी बहुत रिक्वेस्ट थी ना कि दी प्लीज़ IM इंजेक्शन की वीडियो, IM इंजेक्शन की वीडियो, तो फाइनली गाइस आप लोगों का इंतज़ार यहाँ पर होता है खत, बस अब हम लगाते हैं IM इंजेक्शन। तो गाइस बहुत मेहनत लगती है यार सारी वीडियोस बनाने में, अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और गाइस मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम इंजेक्शन लगाएं तो इंजेक्शन लगाने से पहले जब हम सिरिंज को अंदर की साइड में पुश करते तो हमें एक बार पिस्टन को पीछे की साइड में खींच कर देखना है, हमें ये देखना है कि उसमें ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा है। अगर ब्लड आता है तो आपको इंजेक्शन नहीं लगाना है, और अगर ब्लड नहीं आता है, आपने बिल्कुल सही एंगल पर लगाया तो आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो गाइस आप देख
देख सकते हो यहाँ पर फाइनली हमारा इंजेक्शन लग चुका है। और बस इंजेक्शन लगाने के बाद हमें उसको निकालने के बाद उसे मसलना नहीं है, बस नॉर्मली हमें सिरिंज को नीचे रख के बस उसे ऐसे ही रखना है। तो गाइस चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।